ऑन ड्यूटी लेडीज कंप्लेन कर रही है और इसकी इज्जत चाहिए। ऑन ड्यूटी ऑन खराब हो जाएगा ऐसे में। चलिए बाहर चलिए आप लोग हो पास गए तो मेरी बेटी मेरी साथ थी, उसको हम बोले कि देख लीजिए पर्चा ही थी, तो वही मेरे तरफ मुखातिब हुई, मम्मी तुम ही बता दो क्या प्रॉब्लम है। तो हम बोले कि ये प्रेग्नेंट है, तो तुम प्रेग्नेंट हो? हम बोले कि मेरा उम्र आपको लगता है कि होंगे? ये प्रेग्नेंट है तो कुर्सी पर मत बैठो, कुर्सी पर मत बैठो। और जब दिखाने लगी कि ये मेरा पहले का प्रिस्क्रिप्शन है, तो ये सब हम नहीं देखेंगे। बताओ न सही से जांची न लेटाई न कुछ की, और उसके बाद वो जाओ जाओ तू कलाम कर। अच्छा, इसकी शिकायत आप सिविल सर्जन से करिएगा क्या? क्या है बच्चों की आपने किया कि मरीज के द्वारा किया? एक मेल अटेंडेंट था, वो बहुत गंदे से हमको बोल के गया है। फीमेल अटेंडेंट की बदतमीजी की, बट हम उसको छोड़ दिए। कोई बात नहीं, जब मेल अटेंडेंट बदतमीजी किया तब हम अब आपको क्या करने वाले हैं? मीधा है, मैं यहाँ अपना जांच कराने के लिए आई थी सदर अस्पताल सुपौल में। तो जैसे ही मैं ओपीडी में गई, वहाँ महिला डॉक्टर रश्मि थी, नहीं डॉक्टर मधु रश्मि थी। उनको जैसे ही मैंने पर्चा दिया तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें। तो मैंने अपनी माँ से बोला, माँ जरा उन्हें बता दो कि क्या प्रॉब्लम है। तो मेरी माँ से बोलती है तुम प्रेग्नेंट हो? तो मेरी माँ बोली कि मैडम मतलब वो जो प्रिस्क्रिप्शन है उस पर देखिए ना, और मेरा देख के लग रहा है कि हम होंगे मेरी उम्र को देखते हुए। फिर कहती है ऐसा होता है इस हॉस्पिटल में, आपके जैसे तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं, तुम देखोगी बैठोगी तो देखोगी। फिर उसके बाद मैं जैसे ही वहाँ बैठी, जो चेयर लगा हुआ था पेशेंट के लिए, तो कहती है उठो उठो। तो फिर मैंने बोला क्यों, पेशेंट के लिए तो है? तो बोलती है कि नहीं, ये कुर्सी दिखाते हुए बोलती है, ये कुर्सी मुझे मिला है, मैं बैठी हूँ, तुम वहाँ से बात करो। मैंने फिर मैं खड़ी हो गई। उसके बाद हाँ लगता नहीं है पढ़ी लिखी हो, जो भी उसे बोलना था वो बोली। हम बोले देखिए, मेरी माँ बोली कि ऐसे क्यों बोल रही हैं, हम लोग भी एक मतलब पढ़े लिखे हैं, एक पोस्ट को होल्ड किए हैं, अभी रिटायर हुए हैं। तो कह रही है मेरे भी क्या नाम है देवर कोई पदाधिकारी हैं बताते हुए, संतोष कुमार सब देख लेंगे, इस तरह करते हुए उन्होंने धमकी दिया। फिर उन्होंने ना मेरा जांच किया अच्छे से, ना वहाँ पे कोई भी स्टेथोस्कोप था, ना कुछ भी था, और ना उन्होंने मेरा जांच भी नहीं किया। बस एक दो ऐसे दवा लिखा, और वो भी बहस करते हुए, क्या लिखी कुछ भी नहीं। अब सिविल सर्जन के पास आवेदन दिया क्या? उसके बाद नहीं, सिविल सर्जन के पास आवेदन देने से पहले मैं टेस्ट कराने के लिए जा रही थी, तो वो उनके पति रंजीत कुमार जो यहीं पे पोस्टेड है, रेडियोलॉजिस्ट है, वो 10 लोगों अपने जो कंपाउंडर वगैरह जो थे, उनके जो 10 लड़के थे, 10 लड़कों के साथ और गार्ड लोगों के साथ आ गए और मेरे साथ धक्का मुक्की करने लगे। धक्का मुक्की मेरी माँ के साथ उन्होंने धक्का मुक्की किया, मुझे अपशब्द अपमानजनक शब्द बोला, मेरे पिताजी से अपमानजनक बात की। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से, कुछ अच्छे भी लोग थे जिन्होंने इस मैटर को सॉर्ट किया और कहा कि सीएस ऑफिस चलिए। फिर हम लोग सीएस ऑफिस रिटर्न कंप्लेन देने आए, तो वहाँ पे वो लोग आए हुए थे। और फिर सीएस ऑफिस में एक डॉक्टर विनय कुमार जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर के खिलाफ आपको आवाज उठाना भारी पड़ेगा, FIR करेंगे और भी OPD बंद कर देंगे, तमाम तरह के उन्होंने धमकियां दिया। और उसके बाद सीएस साहब ने हमारे तथ्य को सुना, उनके भी तथ्य को सुना, और उन्होंने कहा कि एक एप्लीकेशन आप भी दे दें और एक एप्लीकेशन आप भी दे दें, उसके बाद हम एक टीम गठित करेंगे, उसके बाद इस पर जांच होगा, जांच के बाद जो भी आएगा। मुझे पता लगा जो कंप्लेंट थे वो आए
उनको कहा गया है मेरी ओर से कि आप अपना जो कंप्लेन है या अपनी बातें हैं लिखित रूप में दे दीजिए, और डॉक्टर पक्ष में भी मैं बोल दिया हूँ कि आप लोग कोई शिकायत तो लिखित अपना आवेदन दीजिए। उन दोनों के शिकायत के आलोक में एक कमेटी गठित कर दी जाएगी और जांच के बाद हम लोग उस समय में उचित निर्णय लेंगे, ऐसा जांच रिपोर्ट में आता है। ठीक है कि कोई एक लड़की महिला कोई मरीज एक अपना क्या कहते हैं लेडी डॉक्टर से दिखाने मधुबाला वहाँ थी, वही दोनों के बीच में बैठने या बैठाने के बीच में या कुछ कहा सुनी हुआ है जांच के